पहले मैं आपके सामने आईने पाकिस्तान के उन आर्टिकल्स को रखता हूँ विच रिलेट्स टू द राइट्स ऑफ वमेन। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 25 सिंफी बराबरी पर जोर देता है और रियासत पाकिस्तान को इस बात का पाबंद बनाता है कि वो खवातीन और बच्चों की तहफ्फुज़ और उनकी फलाह बहबूद के लिए मुनासिब कवानीन और पॉलिसियां बनाएं। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 26 हर तरह के इम्तियाज को रद्द करता है, चाहे वो मजहब की बुनियाद पर हो, नस्ल की बुनियाद पर हो, जिन्स की बुनियाद पर हो या पैदाइश की जगह की बुनियाद पर हो। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 27 में रियासत पाकिस्तान को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो माशरे के हर शोबे में खवातीन की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तमाम सरकारी नौकरियों में खवातीन के लिए कोटा मुख्तस करे। इस आर्टिकल के तहत हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सरकारी नौकरियों में खवातीन के लिए 10% कोटा मुख्तस किया है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 34 रियासत पाकिस्तान को इस बात का पाबंद बनाता है कि वो खवातीन की कौमी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इकदामात करे। जबकि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 37 रियासत पाकिस्तान को इस बात का पाबंद बनाता है कि वो शादी खानदान और जच्चा बच्चा की तहफ्फुज़ के लिए मुनासिब इकदामात उठाए।